देशभक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप तस्वीरें गोहाना के पानीपत रोड की देख रहे हैं, जहां पर 18 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और देख सकते हैं जहां पर पार्टी के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो तैयारियां हैं वो पूरी करते हुए सामने नजर आ रहे हैं। बकायदा जो है यहाँ पर दो हेलीपैड जो है यहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ पर एक हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर लैंड करेंगे। इसके अलावा एक हेलीपैड जहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर लैंड करेंगे। और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बजे 18 तारीख को गोहाना के पानीपत रोड पर बने इस मैदान पर पहुंचेंगे और पहुंचकर जो है जनता को संबोधित करेंगे। सोनीपत लोकसभा सीट के लिए मोहनलाल बरौली यहां से जो है प्रत्याशी हैं, उन्हीं के लिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं और पहुंचकर जो है लोगों से वोट की अपील यहां पर करेंगे। और बता दें कि ये जो एरिया है हुड्डा का गढ़ माना जाता है और हुड्डा के गढ़ में जो है नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इससे पहले भी 2014 में भी यहां पर नरेंद्र मोदी जो है गोहाना की नई सब्जी मंडी में आए थे, प्रधानमंत्री बनने से पहले आए थे, चुनाव के दौरान आए थे। उसके बाद जो है 2019 के विधानसभा चुनाव में भी जो भाजपा के प्रत्याशी थे तीर्थ राणा, उनको उनके चुनाव प्रचार में भी गोहाना के मोहाना गाँव में जो है वो वहाँ पहुँचे थे और तीर्थ राणा के समर्थन में उन्होंने रैली को संबोधित किया गया था और वहाँ पर वोट की अपील की गई थी। अब देखना यह है कि 18 तारीख को देश के प्रधानमंत्री गोहाना पहुँचेंगे, गोहाना से पहले जो है अंबाला में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है दोपहर 3 बजे जो गोहाना की पानीपत रोड पर ये जो रैली स्थल बनाया गया है यहाँ पर आएंगे और सोनीपत लोकसभा के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। एक बड़ी रैली का जो है यहाँ पर आयोजन होना है। और बता दें कि ये जो जगह है 50 एकड़ के आसपास ये जगह बताई जा रही है जहाँ पर इस रैली का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। और बकायदा जो है जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिलाध्यक्ष मौके पर जो नज़रें बनाए हुए हैं और इसके अलावा SPG की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, लोकल पुलिस यहाँ पर है और इसके अलावा जो स्पेशल जो पुलिस है उसकी यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। और आपसे अपील रहेगी कि देश अब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 18 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, किस तरह की तैयारी जो है अभी तक हो चुकी है? देख लीजिए, हमारे लिए ना बहुत फख्र की बात है कि सोनीपत जिले में और गोहाना की ऐतिहासिक भूमि पर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और एक विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। उसी की तैयारियों के लिए आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। तो कितने एकड़ में ये चला है? देखिए, ये 50 एकड़ का ग्राउंड है, लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों में ना बहुत भारी उत्साह है, बहुत भारी जोश है क्योंकि देश को विश्व गुरु बनाने का जो कदम नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है तो सब में बहुत खुशी है। नरेंद्र मोदी जी के प्रेम में सने में यहाँ उनको सुनने के लिए बहुत भारी हजूम आएगा। ये दस्तर पर तैयारियां चल रही हैं? हाँ बिल्कुल जी, आज 15 तारीख होगी है, 18 तारीख को हमारे 3 बजे रैली है तो सारे कार्य जो भी मीटिंग के लिए होते हैं रैली के लिए होते हैं लगे हुए हैं। तो पंडाल लगाना शुरू कर दिया? हाँ जी, अभी ये देख लीजिए, ये अपने स्टेज की तैयारी हो चुकी है, हेलीपैड के लिए उस तरफ बना दिया गया है, पार्किंग के लिए लगे हुए हैं, सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। जी तीर्थ जी, तैयारी कितनी है? बिल्कुल, 18 तारीख को विश्व के सबसे बड़े लीडर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारा सौभाग्य के गोहाना में पधार रहे हैं और ये हमारे सोनीपत लोकसभा के निमित्त आए हैं। 2014 में भी मोदी जी, आपको पता है, सब्जी मंडी में जनसभा को संबोधित किया था और 19 में भी मेरे चुनाव में भी विधानसभा के में भी मोदी जी मोहाना गांव में आए थे। आज गोहाना में 18 तारीख को फिर आ रहे हैं तो मोदी जी को सुनने के लिए बड़ी भारी संख्या में, लाखों की संख्या में युवा, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि पंडाल की तैयारी करती है, स्टेज की तैयारी है, पीछे यहाँ रिपोर्टर जो व्यवस्था सारी पूरी तैयारी हम लगे हुए हैं। तो सोनीपत लोकसभा की रहेगी या दूसरा दो लोकसभा बीच में साथ? अभी तक तो हमारे जानकारी में ही सोनीपत लोकसभा की है, जैसा होगा फिर बता दीजिए। इसके अलावा भी कोई रैली होगी प्रधानमंत्री की? हाँ, सुबह की रैली अम्बाला में है, 18 तारीख को ही सुबह जो होगी तो अम्बाला में होगी और इसके बाद एक किसी मैं दुर्घटना भी है हमारी रैली के बाद। कोई रोड शो वगैरह?
अभी तक यही जानकारी है, इतनी दे पाऊंगा मैं सर। अभी हमारे पास इतनी जानकारी है, मोदी जी की 18 तारीख को 3 बजे मोदी जी पहुंच रहे हैं। सर जी किस तरह की तैयारी चल रही है 18 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं? 18 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी सोनीपत लोकसभा के लिए आ रहे हैं और उनके आने से कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि हर तरफ से साधनों की बात हो रही है, हर तरफ से कार्यकर्ताओं की बैठकें शुरू हो गई हैं और एक तरह से चुनाव 100% जीत की तरफ जाने वाला ये कार्यक्रम हमारा होगा। और जिस तरह से हम लोगों की आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 18 तारीख को एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी और जन सैलाब देखने को गुहाना में मिलेगा। आप देख रहे हो जहाँ तक नजर जा रही है वहां तक एकड़ मापने की जरूरत नहीं है, जहां तक नजर जा रही है खाली है, वहां तक सब टेंट और कुर्सियां लगी। हर तरह से तैयारी है, जो हमारा कार्यकर्ताओं से मिलने का काम है वो भी नेतागण कर रहे हैं, हल्के में जाने का काम हमारे उम्मीदवार कर रहे हैं, पंडाल का काम हमारी सीनियर टीम कर रही है और सब जिस तरह के काम जो लगने चाहिए सब तरह की बुकिंग और वगैरह तैयारियां सब हो रही है। अलग अलग ड्यूटियां लगाई सबकी ड्यूटियां बांट दी।